अंडे फ्राई करने में और कितना टाइम लगाओगे? रुको रुको, सफर करो, मैं आ रहा हूँ। किरण जी बोले। ब्रेड टेबल पर रख दी तुमने? प्रिंसेस ग्लास भी ले आए प्लीज। ये लो एंजॉय। मेरे बगैर खाना मत शुरू कर देना। खत्म हो गया किरण, खत्म हो गया। क्या? नहीं। थैंक यू मेरा बच्चा, खाओ। क्या फिजा आपा इस्मत को साथ ले गई हैं? वो लॉन्ड्री गई हैं, उन्होंने कहा था उन्हें टाइम लगेगा वहाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा पैर कैसा है? एकदम अच्छा। हाँ देखो, नई कहानी शुरू होने वाली है अब। अरे वाह बाबा, खाना खाए हमारे साथ? नहीं मैं अंडे नहीं खाता। चलो तुम में से कोई जाओ और मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। घर में कुछ नहीं है? अगर नहीं है तो जाकर खरीद कर ले आओ। हम इस्मत के डायपर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जब शाम को घर आते हैं तो अंडे के सिवा खाने को कुछ नहीं होता। इतनी देर हो गई है मगर मेरी बहन अभी तक बाहर काम कर रही है, और ऊपर से ड्रिंक चाहिए आपको। हाँ, और तुम जाओगे और अभी खरीद कर लाओगे। जाओ मेरे लिए दो ड्रिंक्स लेकर आओ फौरन। आप तो पहले ही नशे में इतना धुते हैं, और कितनी पी सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। भाई तुम अपनी माँ की तरह बिल्कुल बदलिहाज हो। अगर मैं यहाँ ना होता तो अब तक मर चुके होते तुम। मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो तुम। शुक्रिया अदा करो मेरा। किस बात का शुक्रिया अदा करूँ मैं? फालतू में बहस क्यों कर? इन्होंने किया क्या है? इनके लिए कोई बात अहमियत नहीं रखती। क्या किया है आपने? ये घर चलता रहे इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। हम इस्मत और किरण की तरबियत कर रहे हैं। हम इनके वालिद हैं, आप कुछ भी नहीं। इतनी जबान चलाते हो मेरे सामने। अगर मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह छोड़ जाता तब मेरी ज्यादा अहमियत होती है ना? खुदा गलत करे तुम सबको। हिकमत, क्या फायदा इन सब बातों का? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से उन पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ नहीं ना? तुम सब इनके साथ एंजॉय करो।
लगता है सब लोग सो गए हैं। हिकमत, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हुआ। क्यों, इतनी रात गए? हाँ, सुबह स्कूल भी है तुम्हारा, सो जाओ जाकर, बहुत रात हो गई है। आपा? मैं इस शख्स को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। रोज बरोज मुझे इनसे नफरत होती जा रही है। भला कोई इंसान अपने बाप से कैसे नफरत कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं जानती हूं, लेकिन शायद तुम उन्हें अम्मी की याद दिलाते हो, इसलिए। क्या झगड़ा हुआ है तुम्हारा? हिकमत बताओ मुझे, जरूर स्कूल ट्रिप के पैसे मांगने पर झगड़ा हुआ होगा तुम्हारा। पैसे मांगने का मौका किसको मिला? नशे में तो वो घर आए थे, मुझे मजबूर करने लगे। बस मैंने भी अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। हिकमत, स्कूल ट्रिप के पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, डोंट वरी। और क्या क्या करेंगी आप? आप मेरी मां नहीं है, मुझे छोड़ गई हैं वो। आपको, रहमत को, किरण को और फर्रुख को भी छोड़ गई हैं वो। हमारी मां जा चुकी है। आप थकती नहीं हमारी मां बनते बनते? खैर जो भी है, मैं देख लूंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाए, सुना नहीं? बाबा उठ जाए। थैंक यू फिजा, तुम एक अच्छी बेटी हो। क्या कुछ नहीं करती तुम अपने बहन भाइयों के लिए। हर एक की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा और उन्हें सॉल्व किया। मैं दुआ करता हूँ कि तुम जैसी बेटी खुदा हर इंसान को दे। ये तो मेरा फर्ज है बाबा, ऐसा ना कहें।